गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 1858 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों के बारे में हम जो पढ़ रहे थे लेसन, इसी में हम आगे पढ़ेंगे आज स्थानीय प्रशासन। अंग्रेजी सरकार की प्रमुख नीतियों में स्थानीय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था कुछ आंशिक परिवर्तनों के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। 1861 ईस्वी के पश्चात यानी उसके बाद जिला परिषद और नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि 1865 ईस्वी से मद्रास में और 1867 से पंजाब में और 1868 से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएँ स्थापित की गई। आगे चलकर नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया गया ताकि वो अपना कार्य खुद स्वयं कर सके। इससे एक और जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई यानी उनके पैसों में बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन भी मिला। भारत में स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया। सबसे अच्छा काम किसका था उस समय? लॉर्ड रिपन ने, जिसने स्थानीय प्रशासन को लेकर एक अच्छा काम किया, इसीलिए तो उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1881-82 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि कर दी गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान, शक्तियों और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया और इस साधारण व्यक्ति को भी नगर पालिका प्रमुख बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। किंतु निर्वाचन में केवल पूंजीपति धनक के व्यक्ति, जो बड़े घर के व्यक्ति होते थे, वही नगर पालिका प्रमुख चुने जाते थे। 1882 ईस्वी के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किए गए और 1908 में पुनर्गठन आयोग के द्वारा पंचायतों जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। 1935 के अधिनियम से इनके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत प्रत्येक नगर पालिका, जिला बोर्ड और ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में प्रकाश, जल आपूर्ति, सड़क परिवहन और सफाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। उस समय क्या होता था कि जो नगर पालिका जिला बोर्ड थी उसमें ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में किसकी व्यवस्था करनी पड़ती थी? प्रकाश की, जल आपूर्ति की, सड़क परिवहन की, सफाई की, ये सारी जिम्मेदारी इन लोगों को यानी ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र में उठाना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों की तानाशाही के कारण भारतीयों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था। तो ये बात हुई स्थानीय प्रशासन की। अब हम पढ़ेंगे इसकी आर्थिक नीतियाँ क्या थी। तो 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति में परिवर्तन किया गया। भारतीय संसाधनों के पूर्ण दोहन और शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया गया और भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई कर दी गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई और भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ केवल इंग्लैंड के हितों की ही रक्षा के लिए बनाई गई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से प्रभावित होने वाले प्रमुख उद्योग पटसन, नील, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चाय, रबर, कॉफ़ी, कोयला, लोहा, भाप के जहाज इत्यादि थे। परिवर्तित आर्थिक नीतियों के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य आय का बंटवारा किया गया और भारतीय किसानों को भूमि कर और पट्टेदारी की नीति अपनाकर जमींदार और पट्टेदार जैसे 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। सरकार की इस नीति के दुष्परिणाम स्वरूप ही साहूकारों को फलने फूलने का अवसर मिल गया। ग्रामीणों और मजदूरों की स्थिति प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही थी। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे, गरीब थे। मजदूरों से अधिक काम लेकर उन्हें कम वेतन दिया जाता था और इसी समय बाल मजदूरी को प्रोत्साहन मिला, इन्हें इसे प्रोत्साहित किया गया था और जो भारतीयों के हित में नहीं था। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र में भारत का विकास अवरुद्ध हो गया था। अब आता है सिविल सर्विस। तो प्रशासन में सिविल सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था। सिविल सेवा के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों को उच्च सरकारी पद प्रदान किए जाते थे। 1853 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति भारतीयों को मिल गई थी। लेकिन क्या हुआ, किंतु वास्तव में भारतीय इस परीक्षा में भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि यह परीक्षा केवल कहाँ, इंग्लैंड में, और वो भी कौन सी भाषा में होती थी? अंग्रेजी भाषा में।
1853 ईस्वी में जहां परीक्षा में बैठने की उम्र 23 वर्ष थी, वहीं 1860 ईस्वी में 21, 1876 ईस्वी में 19 कर दी गई। इससे भारतीयों में सिविल सेवा में भाग लेने के सारे रास्ते ही बंद हो गए। केवल यूरोप ही सिविल सेवा में के माध्यम से सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाते थे। मतलब जो यूरोपीय लोग होते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा जानते थे और उन्हें पूरी छूट दी गई थी, इसलिए आसानी से वो सरकारी विभागों में इस परीक्षा के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते थे। कालांतर में भारतीयों के आंदोलन और मांग से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1906 में सिविल सेवा में भाग लेने की आयु कितनी बढ़ा दी? 24 वर्ष। इसके द्वारा जिन भारतीयों को सिविल सेवा का अवसर मिला, वे प्रायः उच्च वर्ग या ब्रिटिश शासन के हितेशी रहे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जाता था और 1883 ईस्वी का एल्बर्ट बिल विधेयक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें भारतीय और अंग्रेज जजों के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया गया था। इस विधेयक के पारित हो जाने पर भी भारतीय जज उसके क्षेत्र के यूरोपीय मुकदमों को भी सुनवाई कर सकता था, किंतु यूरोपियनों के कड़े विरोध के कारण एल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। तो यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। अगला भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।